चीफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर खूब गहमागहमी चल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए तमाम विपक्षी नेताओं से अपना जो है समर्थन मांग रहे हैं, वही तमाम विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा को समर्थन देने के बजाय द्रौपदी मुर्मू को ही दे रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर विपक्ष क्यों टूट रहा है और बट रहा है। आज बात ये भी करने वाले हैं कि जेपी नड्डा, अमित शाह जी और पीएम मोदी ने तमाम विपक्ष के नेताओं को फोन कर समर्थन मांगने की जो है कोशिश की और मांगा, क्या यशवंत सिन्हा को पीएम मोदी कभी फोन करेंगे, क्या उनको समर्थन देंगे? अगर ऐसा होता है तो वाकई में आश्चर्य वाली बात हो जाएगी। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जबरदस्त जो है सियासत गरमाई हुई है, उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी जो है बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू एक महिला हैं, एक आदिवासी हैं, उनके चांसेस ज्यादा बताए जा रहे हैं, क्यों? आखिर उनके जीतने के जो चांसेस है सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। अगर बात की जाए यहाँ पर, सबसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, एक आदिवासी चेहरे को आगे ला दिया गया है, तो सबसे अहम मुद्दा तो यहाँ पर यही उठता हुआ नजर आया कि महिला के सम्मान में यहाँ पर पार्टियों ने अपना पक्ष रखा है। एक आदिवासी चेहरे को जिस तरीके से एनडीए ने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, तो एक वक्त ऐसा भी रहा जब प्रतिभा पाटिल जी को भी काफी ज्यादा समर्थन मिला था। देश की राष्ट्रपति वह रही और अब उनके बाद यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू सामने आ गई है। और दूसरी ही बात यहाँ पर यह भी सामने आई है कि राष्ट्रपति के तौर पर यहाँ पद के लिए वो खड़ी की गई, महिला के सम्मान में उन्हें समर्थन मिला आदिवासी चेहरे को देखते हुए, क्योंकि जिस पार्टी ने यहाँ पर अपनी बात रखी, महिला के सम्मान में बात रखते हुए अपनी बात रखी है। वहीं दूसरी ही तरफ अगर गौर किया जाए कि आखिरकार वह इस रेस में आगे बढ़ती हुई क्यों दिखाई दे रही है, महिला के सम्मान में यही टैगलाइन लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो पार्टियां अपना पक्ष रख रही है ये लाइन बोलते हुए दिखाई। और ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी जिस तरीके से रणनीति खेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक राज्यपाल रही है झारखंड की, और उपराष्ट्रपति पर अगर गौर किया जाए तो वह भी राज्यपाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो रणनीति कुछ अलग ही बन रही है। यहाँ पर विपक्ष ने जिस तरीके से मैदान में यशवंत सिन्हा को उतारा है, लेकिन यह भी दावा किया गया, अगर विपक्ष को पता होता कि एक आदिवासी चेहरे को उतारा जाएगा तो वह भी सोच समझ कर किसी और को उतारते, तो ऐसे में देखा जाए सवाल उठना यहाँ भी लाजमी है। अब बात करते हैं यहाँ पर रेस में आगे बढ़ते हुए देखना, तो बीजेपी ने यहाँ पर जिस तरीके से मुहिम छेड़ दी कि कॉल करके एक दूसरे से समर्थन पाना है, और मोदी लहर हम पूरे देश भर में ही देख रहे हैं, और बीजेपी की जो रणनीति है इस वक्त आसिफ जी वो है साल 2024, और साल 2024 को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ कई पार्टियों के गठबंधन जो है वो दांव पर लगे हुए हैं। ऐसे तरीके से देखा जाए तो गठबंधन टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिल रहा है, एक तरफ यशवंत सिन्हा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने वालों की संख्या कई हद तक ज्यादा दिखाई दे रही है। तो अब महज एक दिन रह गया, 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का जो समर्थन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे साबित हो रहा है कि अगली राष्ट्रपति तो सिर्फ वही होने वाली है। ये एक बड़ी बात जो आप कहीं प्रांशु जी, लेकिन सवाल ये भी तो है कि चलिए ठीक है, उनको समर्थन मिल रहा है, आदिवासी हैं, महिला हैं, इसका खूब फायदा उठा रही है, यशवंत सिन्हा को कम से कम बीजेपी के कोई नेता समर्थन नहीं दे रहे, उनको विपक्ष वाले तो दें, विपक्ष वाले क्यों नहीं दे रहे हैं? ना तो मायावती हैं, वो पहले ही जो है मुंह मोड़ ली, बोले हम द्रौपदी मुर्मू को देंगे। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री, वो पहले कह चुके। ओपी राजभर जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन है, अखिलेश यादव नॉमिनेशन में यशवंत सिन्हा के साथ जाते हैं, लेकिन उसके बाद ओपी राजभर कहते हैं कि नहीं, हम तो द्रौपदी मुर्मू को देंगे। आखिर फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे, संजय राउत, ये तमाम लोग कह रहे हैं हम द्रौपदी मुर्मू को देंगे। ये विपक्ष क्यों बढ़ता जा रहा है? जिस वक्त में उन्हें एक साथ होना चाहिए, यशवंत सिन्हा का साथ देना चाहिए, ऐसे वक्त में अलग है, फिर सपना देख रहे हैं मोदी जी को हराएंगे, ये आखिर क्यों? अगर देखिए मोदी जी को हराने की रणनीति है तो यहाँ पर वह पूरे तौर पर हरा सकते थे, लेकिन बात यहाँ पर राष्ट्रीय हित को देखते हुए वो ये सोच रहे हैं कि एक अगर महिला होती है राष्ट्रपति तो जाहिर सी बात है कुछ और भी वह करके दिखा सकती है। द्रौपदी मुर्मू को वह पूरा पूरा चांस देने के लिए इस वक्त जुटे हुए हैं, और द्रौपदी मुर्मू ने यह भी बताया कि वह ये सब कुछ नहीं कर सकती हैं। हाल ही में जो भोपाल में उन्होंने जो अपनी बात रखी, पहली बार वह खुलकर अपनी बात रखी, और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया, पूरा पूरा जोर दिया कि वह इस पद के लिए उम्मीदवार बने, लेकिन वह नहीं बनना चाहती थी। लेकिन मोदी जी ने एक बात कही कि डरने की कोई बात ही नहीं है जब हम साथ में खड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जब बीजेपी साथ में खड़ी हुई है तो वह क्यों डरेंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर मोदी जी ने जो बात कही है कि हम साथ में खड़े हुए हैं, जो कुछ करेंगे हम करेंगे,
करेंगे, तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि यहाँ पर जो रणनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की है। तो यहाँ पर तो देखा जाए एक उम्मीदवार के तौर पर उन्हें खड़ा कर दिया गया है और जो खेल खेला जाएगा वो पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ से खेला जाएगा। तो बीजेपी का खेल यहाँ पर साफ तौर पर ये रहा है कि गठबंधन को तोड़ देना है, और उस जड़ से बीजेपी अच्छी तरह से वाकिफ है कि गठबंधन किस तरीके से टूटेगा, तो इस वजह से बीजेपी ने ये खेल खेल दिया है, तोड़ने में कामयाब भी साबित हो रहा है। यही वजह है कि इस वक्त द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिला है। प्रांजी जी, अब सिर्फ दो सवाल है, छोटा छोटा सवाल। एक तो पहला छोटा सवाल ये है कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार को घोषित कर दिया। जगदीप जी को जो है अब बनाया गया, वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी हैं, आते हैं राजस्थान से। क्या समझा जाए कि ममता बनर्जी से बदला ले रहे हैं? क्या समझा जाए, ममता बनर्जी को अब फंसा दिया पूरी तरीके से बीजेपी ने? कैसे समझा जाए इसको कि अब इस चक्रव्यूह से ममता बनर्जी कैसे बचेंगे? क्योंकि किसी को पता नहीं था कि पश्चिम बंगाल के ही राज्यपाल को खड़ा कर दिया जाएगा, और वो हमेशा से जो है ममता बनर्जी की बैंड बजा कर रखते थे, उनके नीतियों पे सवाल उठाते थे, और बीजेपी को हमेशा से उसका फायदा मिलता रहा। क्या यही वजह से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया? अब ममता बनर्जी का क्या रोल रहेगा? अब देखिए, यहाँ पर अगर विपक्ष के बारे में बात की जाए, ममता बनर्जी जो पूरा पूरा जोर लगाती हुई नजर आई यशवंत सिन्हा के लिए, उन्होंने कई पार्टियों से समर्थन मांगा, उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे उन्हें समर्थन देंगे, लेकिन ऐन मौके पर हमने देखा कि वह भी पलट गए। एनसीपी ने साथ दिया, कांग्रेस ने साथ दिया, लेकिन यहाँ पर शिवसेना से उन्हें समर्थन नहीं मिल पाया, क्योंकि शिवसेना पहले से ही दो गुटों में बटी हुई है, वो खुद इन परेशानियों का सामना कर रही है। तो शायद शिवसेना ने यहाँ पर एक तो बात कही आदित्य ठाकरे ने कि महिला के सम्मान में हम ये वोट दे रहे हैं राजनीति से हटकर, लेकिन दूसरी ही तरफ अपने इस गुट को अपनी तरफ लाना चाहती है शिवसेना, शायद इस वजह से भी। लेकिन अगर बात ममता बनर्जी के बारे में की जाए, तो जो हमेशा ही मोदी विरोधी रही, हालांकि वह तारीफ करती हुई भी देखी जाती है, लेकिन विपक्ष में है, तो शायद अब बीजेपी की तरफ से ये कोशिश भी है कि पश्चिम बंगाल में जो हमेशा ही यानी इतने सालों से वह लगातार अपने इस राज्य को वह संभालती हुई नजर आ रही है, तो शायद यहाँ से अब वह चाहते हैं कि ममता बनर्जी को भी यहाँ से हटा दिया जाए और बीजेपी की यहाँ पर सरकार बने। तो ऐसे में देखा जाए तो ममता बनर्जी पूरी तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यशवंत सिन्हा को लेकर तो जीत पक्की नहीं है फिलहाल देखा जाए तो, जो चीज हम देख रहे हैं जो खुलकर पार्टियां सामने आई हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अब देखा जाए ममता बनर्जी को साफ तौर पर निशाना बनाया गया, क्योंकि जो विवाद सामने आ रहे हैं। छोटा सा आखिरी सवाल यही है, कौन जीतेगा राष्ट्रपति में, यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू? जाहिर सी बात है, देखिए अभी तो हम फिलहाल जो वोट देख रहे हैं और उन वोट के लिए महाराष्ट्र में पूरी पूरी ताकत लगाई जा रही है, यूपी की तरफ से यहाँ पर वोट कर दिए जाएंगे और यहाँ पर खुल के सभी ने बात रखी है, लेकिन महाराष्ट्र में हमने एक चीज देखी आसिफ जी, वो ये देखा है कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, फिलहाल देखा जाए तो 200 विधायक की उन्हें जरूरत है, लेकिन 185 हो चुके हैं। अब जो निशाना है, जो वोटिंग लिस्ट जो बढ़ानी है, वो उनको शरद पवार के चलते बढ़ानी है, तो अब यहाँ पर शरद पवार पर अटैक किया जा सकता है उनकी पार्टी पर, क्योंकि उन्हें विधायकों की नीड है और महाराष्ट्र से अभी वोट बढ़ाने हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया, तो पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर ये है कि अब जो राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू खड़ी है, तो उन्हें ही जीत हासिल हो और उन्हीं के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल देखा जाए तो ये तमाम चीजें हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन ये तो वक्त के साथ ही हमें पता चलेगा आखिरकार जीत किसकी होगी, लेकिन रेस में कौन आगे है ये सब बखूबी जानते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त चुनाव नतीजे आने से पहले ही द्रौपदी मुर्मू जीत का जश्न मना रहे हैं। देखना होगा कि पीएम मोदी वाकई में यशवंत सिन्हा को फोन करेंगे या नहीं, क्योंकि तमाम विपक्ष के नेताओं तो किया है, उम्मीदवार को करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। देखते हैं कि आखिर कौन जीतता है और कौन हारता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु जी हमें जो है इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, खबर भी देते रहे SPN9 News.com।